बहुत खुश हूँ। नवाज़ जी के लिए तो ये कॉमन बात होगी, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ माय फर्स्ट बॉलीवुड कमर्शियल डेब्यू और फिल्म इज़ डूइंग क्वाइट वेल। ये फिल्म बहुत ही छोटे बजट में बनाई गई थी, अराउंड 3 करोड़ और पब्लिसिटी मिला के 2 करोड़, तो 5 करोड़ की फिल्म। एंड कल तक ये फिल्म अराउंड 11.24 करोड़ कमा चुकी है, तो दैट्स रियली अ ग्रेट थिंग। ये सक्सेस पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ अच्छा होता है तो मुझे लगता है कि सेलिब्रेट करना चाहिए। और हमारे जो डायरेक्टर हैं अराउंड 2.5 ईयर से इस प्रोजेक्ट के पीछे लगे पड़े थे, लिखने से लेके एकदम फिल्म मतलब शूटिंग के बाद रिलीज़ तक ऑलमोस्ट 2.5 साल लगे उन्हें। हमने पिछले साल शूटिंग किया था, मैं ऑन बोर्ड आई पिछले साल, नवाज़ जी भी काफ़ी समय से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो लगता है कि 2.5 साल का मेहनत एक रंग लाया। थैंक यू। लोगों का जितना प्यार भी, मैं बहुत ट्रैवल करके आई हूँ, पहले अहमदाबाद में थी, फिर पंजाब में थी, फिर बनारस थी, तो सब लोगों ने मुझे लगता है एक एक नहीं दो दो बार देखी है फिल्म, और इतना प्यार हर रोज़, इतने सारे मैसेजेस, सो इट फील्स रियली नाइस कि पसंद आ रही है लोगों को फिल्म और लोग देखने जा रहे हैं फिल्म। आजकल बहुत कम होता है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में फिल्म देखने जाएं, सो इट्स रियली नाइस। और जीजी को प्यार मिल रहा है, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। आई थिंक ऑडियंस सबसे बड़ा किंग होती है, उन्हें मालूम होता है उनको क्या देखना है, उन्हें क्या पसंद आता है, और मुझे लगता है इस बार फिर वो जीते हैं। और हम सब एडल्ट्स हैं, हमें एक फ्रीडम मिलना चाहिए वो देखने का जो हम देखना चाह रहे हैं। क्या बताएं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और हम पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है काम करने के लिए। बस पहले तो सबसे पहले तो मुझे नेटफ्लिक्स में क्या जो सीरीज़ है हमारा उसमें लगना है, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है, और उसको करने के बाद फिर वो शुरू होगी। फिर हाँ, उनके साथ ही काम करने वाले हैं और बहुत एक्साइटेड। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी बुला लीजिए, यहाँ पे हैं लोग। कुशान को भी बुलाइए ना। हाँ, कुशान अब आपके सामने पेश कर रहे हैं हेड डायरेक्टर। सी आई थॉट आई थिंक दैट वी आर लविंग द एप्रिसिएशन दैट्स कमिंग आवर वे, और अच्छा लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है, और हम होप कर रहे हैं और भी लोग जाएँ, और भी लोग देखें, और भी अप्रिशिएट करें।